this is Rucha. Welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. Okay, so this video is for people who want timetable for CA foundation exams and timetable चाहिए, planning चाहिए, जो अभी fail हो गए in cases तो एक नया approach चाहिए, and for people who are opting May 2020 CA foundation for the first time, for them as well. So many of you had requested for this video, so I came up with it. So now what is happening is कि this is a generalized plan, of course, जो मैं इस video में बताऊँगी. Everything I'm going to cover कि कितने घंटे पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, किस subject का combination होना चाहिए, how many revision should be done, how to cover RTPs, mock test papers, सब कुछ, everything in and out is going to be covered. Still many of you are requesting to talk to me over my personal counseling sessions. See guys, I am so sorry for it. The slots for next 15 days are already booked. So as I already said in my earlier video as well, कि I have started with this new thing called email counseling. जिसमें क्या है कि आप of course register करो email counseling के लिए, display your doubts, write in your doubts. If you want any small thing like planning कैसे करें मैम, ये सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है मैम, इसमें आपका गाइडेंस चाहिए, जो भी है आपको लगता है कि यू कैन नॉट वेट फॉर 15 days एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टॉक ऑन फोन. अगर फ़ोन पे ही बात करनी है मुझसे तो 15 दिन वेट कर लो, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ टू बी सॉल्व इमीडिएटली और फ़ोन पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं उसके लिए, तो यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर द ई मेल काउंसलिंग सेशंस. एंड क्या पता इससे आपको एक बेस सेट हो जाए इसके आगे. एंड जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया, एंड थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स ऑल्सो, एंड पीपल आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट एज वेल. तो इसमें क्या है, एक फुल फ्लेजेड प्लान दूंगी मैं आपको ओवर ईमेल, जिसमें मोटिवेशन रहेगा, कोट्स रहेंगे, एक ऐसा ड्राफ्ट रहेगा जिसको आप प्रिंट करके आपके सामने लगा सको जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड दैट विल बूस्ट यू अप ऑन अ डेली बेसिस टू स्टडी. सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दैट. ओके, अभी आते हैं अपने शेड्यूल पे. सो बिफोर आई कम टू द टाइम टेबल पार्ट, आई वुड लाइक टू गिव यू सर्टन टिप्स, बिकॉज CA फाउंडेशन के एग्जाम है, कुछ ना कुछ यू आर नाइव एज ऑफ नाउ, तो फिर क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको एक यू नो पुश मिलेगा एग्जाम के लिए. ऑफकोर्स पढ़ाई, क्लासेस, ये सब तो आप सुनते हो बहुत लोगों से, बट एक्चुअली डीप डाउन बात मैं आपको एक बताती हूँ. फर्स्ट चीज़ रहेगी बैगेज छोड़ो. पिछले 12th में कितने मार्क्स मिले, 10th में कितने मार्क्स मिले, ये सब छोड़ना पड़ेगा गाइस. उसमें 90% मिले होंगे, दैट कैन ऑफकोर्स बी यूज एज अ मोटिवेशन, बट वहाँ तक ठीक है. बट उससे क्या होता है ना, आपको लगता है कि और एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, और एक्सपेक्टेशन भी एक बार का ठीक है, पर जितना हो सके 10th, 12th और CA फाउंडेशन का कंपैरिजन ही मत करो. इट इज़ अ न्यू इरा, इट इज़ अ न्यू डॉन, इट इज़ अ न्यू फेस. जितना हो सके एक उसको नए माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना है इसके आगे. भले आपको 60% मिलने दो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरेज बंदा CA फाउंडेशन में आके उसको एवरेज ही मार्क्स मिलते हैं. तो जितना हो सके लीव द बैगेज, जो हुआ वो हुआ, इसके आगे एक न्यू बिगिनिंग है. So that is first. Second thing is aim high. जितना मैंने बोला कि बैगेज छोड़ना है, उसके साथ साथ इतना भी सही है कि एम हाई करना है. अब जैसे जैसे अभी एग्जाम में आओगे ना, CA फाउंडेशन अभी तक तो ठीक है, जैसे जैसे CA कोर्स में आप ढलते जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत निगेटिविटी है. बहुत सारे लोग आपको कुछ भी बोलेंगे कि इसमें तो पास होना भी डिफ़िकल्ट है, इतनी सारे घंटे पढ़ाई करने पड़ेगा, पूरा लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वॉट नॉट. एक ही चीज़ मैं अभी से आपको समझाती हूँ, यू विल एक्सपीरियंस दिस जर्नी इन योर ओन वे, नॉट फ्रॉम पीपल्स माउथ. उनको जो बोलना है बोलने दो, खुद को आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि दिस इज माई एक्सपीरियंस. ये टफ रहने दो, ईजी रहने दो, कुछ भी रहने दो. आई एम गोइंग टू लुक एट इट एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जो लोग बोल रहे हैं वैसा नहीं, मे बी आपका बहुत प्लेन वनीला जा सकता है. जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ एक रूम में ही बैठना पड़े. इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट प्लानिंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. उतना ही करो और अच्छे से आगे बढ़ो इस कोर्स के तरफ. एंड उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि ये जो CA फाउंडेशन है ना, इसमें ही इतना बेस हाई सेट करो कि इसमें ही रैंक एम करो. हर एक पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है भी, आई रिकमेंड ऑल कि जितने CA फाउंडेशन के बच्चे आप उनके साथ ये शेयर करो, एंड आप भी अभी के अभी खुद के दिमाग में ये थॉट ला लो कि मुझे रैंक लाना है. यू नो व्हाट, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या नेक्स्ट 3 to 4 months are going to be a period of magnificent transformation and I'm aiming for rank. Comment. Seriously, you will spread this positivity around कि next 3 to 4 months are going to be months of magnificent transformation and I'm going to aim for rank. So जब when you begin with the end in mind now, automatically backward calculation करके आप पढ़ाई उसी direction में करोगे. So this is the approach to move ahead. फॉर द एग्जाम्स. सो ये एक चीज़ हो गई. नेक्स्ट चीज़ ये रहेगी आपको कि जितना हो सके ना यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है. अभी मैं आपको रिविजन्स बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, पर कभी भी ना इस अभी 10th 12th तक अपन कर सकते थे कि एक हाथ रिविजन किया चलेगा एंड स्टफ. when it comes to CA exams it is all about revisions, multiple revisions and practice, so don't leave this anytime. तो इसलिए मैं आपको अभी ये जो शेड्यूल बताऊंगी ना उसको ध्यान से फॉलो करना. डेफिनेटली यू विल सी थिंग्स फॉलोइंग इन प्लेसेस. ओके, सो यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स मैं आपको जो बताती हूँ. अच्छा, तो इसमें मैं बताऊंगी 4 रीडिंग्स का टाइम टेबल. अभी मैंने टू सिंप्लीफाइड क्या किया है, ऐसे तो आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन इन 4 सब्जेक्ट्स को मैंने 7 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है कि ताकि अपन अच्छे से पढ़ सके, थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ सके सब्जेक्ट्स को. ओके, तो ये 7 सब्जेक्ट्स है. अकाउंट्स, लॉ, BCR, BCK, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट्स है. तो अभी फर्स्ट रीडिंग कल से 8 Feb to 21 Feb अपन करेंगे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो ये है 14 days, 2 हफ्ता. इसमें क्या करेंगे अपन 4 hours a day अकाउंट्स पढ़ेंगे एंड 4 hours a day इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. अच्छा, तो बिफोर आई कम टू टाइम टेबल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया मुझसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. सो यू डिड नॉट स्टडी फॉर 12-14 hours एंड यू डिड नॉट स्टडी फॉर एज लेस एज 4-5 hours ऑल्सो. ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैम, बिल्कुल ये नहीं बोलना है हाँ मैम 8 घंटे पढ़ाई करना है. 8 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है. द पावर ऑफ 3/8 ये एक मंत्रा बताती हूँ मैं, द 3/8 का मंत्रा. दैट इज 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की पढ़ाई एंड 8 घंटे का दूसरी चीज़ है. इसमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना है. ये 8 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो. सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है. तो 8 घंटे की नींद का तो मैंने बोला उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना. बाद में CA इंटरमीडिएट आर्टिकलशिप फाइनल है ही. अभी 8 घंटे की नींद का लुत्फ उठा सकते हो तो उठा लो ना गाइस, क्या प्रॉब्लम है उसमें. आराम से सो 8 घंटे. 8 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं सबसे इजी आपको रेकमेंड करूँ 4-4 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ो. सुबह 7 to 11 एंड इवनिंग में कंसिडर 3 to 7. सुबह 7 to 11, इवनिंग में 3 to 7 या 2 to 6 भी पढ़ो ताकि शाम में बाहर जाना है जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना है मिलो, रात में फ़ोन पे बात करना है करो, जो करना है करो. ये 4-4 घंटे के स्लॉट्स ऑक्यूपाई कर लो, उसके अलावा आपको जो करना है करो. अच्छा, दिस इज द केस फॉर पीपल हु आर डन विद देयर क्लासेस. जिसकी क्लासेस नहीं हुई है उनको और 4 घंटे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा. 4-4-4 घंटे के स्लॉट्स बना लो एंड उसमें आप कोचिंग्स कर सकते हो. ठीक है, तो ये होगा आपका 8 hours of study, 8 hours of sleeping and 8 hours of productive usage. अभी ये productive usage में क्या करना है बोलूँ मैं, read good stuff. सबसे पहले ना read good stuff. अभी जैसे कि अगर आपने Audit of a CA नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ go and buy it. जैसे कि आप CA Foundation में हो, अभी आपको आगे क्या क्या होने वाला है, एक मज़ेदार वे में एक बुक लिखी है एंड विद इंटरेस्टिंग मैसेज एंड लर्निंग्स. तो ये एक गाइडलाइन की तरह आपको काम करेगी. आपको चाहिए तो आप रिव्यूज़ देख सकते हो अमेजोन पे, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं. मैं लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड काउंसलिंग का भी मैंने वहीं पे लिंक दिया है. तो ये जो चीज़ें मैं ला रही हूँ आप लोग के लिए इट इज़ जस्ट फॉर योर बेनिफिट. एंड बुक जब पढ़ोगे ना आपको समझेगा कि हंसते हंसते एक नया एटीट्यूड मिलेगा आपको CA कोर्स के लिए. तो प्लीज़ यू कैन गो एंड बाय दैट. ओके, तो रीड गुड स्टफ, वॉच गुड स्टफ. यू कैन वॉच टेड टॉक्स ऑन यूट्यूब, वॉच मोटिवेशनल थिंग्स. जितना हो सके सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी बिकॉज देर इज टू मच ऑफ निगेटिविटी अराउंड. ओके, तो ये हो गया. नेक्स्ट थिंग, आपकी हॉबी पे काम करो जितना हो सके ना. अभी से आदत डालो कि हाफ एन आवर यू आर गोइंग टू रिमूव आउट टाइम फॉर योर हॉबी. ठीक है, तो दिस इज हॉबी पार्ट. नेक्स्ट चीज़, अब डेफिनेटली एक्सरसाइज करो. ये सब चीज़ें ना टाइम पास भी है बट प्रोडक्टिव है, तो जितना हो सके ये 8 घंटे में प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है. ओके, तो कमिंग बैक टू द टाइम टेबल पार्ट, जैसे कि मैंने बताया 8 Feb to 21 Feb अपन करेंगे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. 4 hours a day फॉर अकाउंट्स, 4 hours a day फॉर इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये हो गया 14 days. नेक्स्ट इज 22nd Feb to 29th Feb. उसमें अपन करेंगे लॉ और इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे. अभी इसमें अपन लॉ करेंगे 6 घंटे दिन का एंड इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे 2 hours a day या फिर 5 hours लॉ कर सकते हो और 3 घंटे इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर सकते हो एनी विच वेज, क्योंकि अपना ग्रिप नहीं छूटना चाहिए. और एक बार वापस रिवाइज कर लेना तो दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा इको यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद 1 March to 7 March अपन करेंगे स्टैटिस्टिक्स और इसके साथ अकाउंट्स रिवाइज करेंगे. सेम पैटर्न 5 आवर्स जो नया सब्जेक्ट है, 3 घंटे पुराना सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 8 मार्च टू 14 मार्च अपन करेंगे मैथ्स और इसके साथ लॉ रिवाइज करेंगे। 5 आवर्स मैथ्स, 3 आवर्स फॉर लॉ रिविजन। 15 मार्च टू 21 मार्च अपन यहाँ पे करेंगे BCR फॉर 5 आवर्स अ डे एंड उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे, ठीक है, फॉर 3 आवर्स अ डे। उसके बाद अपन करेंगे 22 मार्च टू 28 मार्च BCK और यहाँ पे BCR रिवाइज करेंगे फॉर 3 आवर्स अ डे। एंड देन 29, 30, 31 यहाँ पे मैथ्स और BCR जस्ट हुआ है तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ मैथ्स रिवाइज करना है। तो बेसिकली फ्रॉम 8 फेब टू 31 मार्च ये अपना टाइम है। आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके वापस एक बार लिख सकते हो, बट ये वाली जो रीडिंग है इसमें अपन 2 रीडिंग्स कर रहे हैं, एक रीडिंग और उसके साथ साथ इमीडिएटली रिवीजन, ताकि कभी भी आपकी ग्रिप ना छूटे किसी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो 28 फेब टू 31 मार्च अपना फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग का टाइम टेबल है। ओके, द नेक्स्ट रीडिंग इज थर्ड रीडिंग। अभी इसमें क्या करेंगे ना अपन, दैट मीन्स अप्रैल मंथ में कि अपन देंगे 4 डेज पर सब्जेक्ट। ये जो 7 सब्जेक्ट में अपन ने डिवाइड किया है, इफ यू हैव नोटेड डाउन, ये 7 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, लॉ, BCR, BCK, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। अभी इसमें क्या करेंगे अपन, वी विल गिव 4 डेज पर सब्जेक्ट फॉर दीज 7 डेज, दैट मीन्स 28 डेज। अभी ये 4 दिन को डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे आप 12-12 घंटे की पढ़ाई करोगे। जब अप्रैल मंथ आ जाएगा तब 12 आवर्स की पढ़ाई करोगे। इसमें फर्स्ट 3 दिन आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, लास्ट डे पे करंट ईयर की RTP, प्रीवियस टू अटेम्प्ट का RTPs और एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 28 डेज का, 1 अप्रैल टू 28 अप्रैल थर्ड रीडिंग। उसके बाद अपन करेंगे फोर्थ रीडिंग विच इज 29 अप्रैल टू 6 अप्रैल 6 मई। यहाँ पे अपन देंगे 2 डेज पर सब्जेक्ट। यहाँ पे अपने एक्चुअल सब्जेक्ट्स, जैसे अभी यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स जो थे वो अभी तक के पढ़ाई के थे, बट अल्टीमेटली तो अपने को 4 पेपर्स देने हैं, तो ये 4 पेपर्स, पर पेपर 2 दिन देंगे अपन, ताकि दिस इज एग्जाम बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले 1.5 डेज में क्या पढ़ाई करने वाले हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग के टाइम पे फिल्टर्ड नोट्स निकालो, जितना हो सके टिक मार्क करके रखो, जितना हो सके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना हर सब्जेक्ट पे, एंड जितना हो सके कैलकुलेटर का यूसेज करना, क्योंकि दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग कैलकुलेटर। तो फिल्टर्ड नोट्स जितने रहेंगे उतना आपको एग्जाम के 1.5 डेज में काम आएंगे। तो ये 29 टू 6 का जो टाइम टेबल है कंप्लीट, ये इस पर बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करना, नहीं तो एग्जाम के पहले जाके आप रिग्रेट करोगे कि यार अभी तो 2 दिन में मैं कैसे सब कुछ कर लूँगा, ठीक है। तो 29 टू 6 इस 2 डेज पर सब्जेक्ट और एक और मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऐसे हो गए अपने 4 रीडिंग्स, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, 3 RTPs, तो बच गया क्या, सजेस्टेड आंसर्स। अभी सजेस्टेड आंसर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जहाँ पे भी थियोरी है आपको पता चले कि आप प्रीवियस टू अटेम्प्ट अगर गो थ्रू करो, प्रीवियस टू अटेम्प्ट के अगर आंसर्स आप गो थ्रू करो, तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू पुट थिंग्स ऑन पेपर, एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, एग्जैक्टली इन विच वे आंसर्स आर टू बी प्रेजेंटेड। तो जितना हो सके ना डेली बेसिस पे एक 15-20 मिनट्स निकालो और जो सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के सजेस्टेड आंसर्स गो थ्रू करो, ठीक है। तो इससे एक फुल पैकेज हो जाएगा एंड विथ 1.5 डे प्लानिंग, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs, एवरीथिंग। तो ये वाला जब शेड्यूल फॉलो करोगे इट कवर्स एंड टू एंड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये फॉलो करो एंड कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में बिलो कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी मंथ्स ऑफ मैग्निफिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम एमिंग फॉर रैंक। हर एक जन कॉमेंट करेगा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट जोश अराउंड कि हम सब एक साथ रेडी है, ठीक है, हम सब रेडी है, वी आर रेडी फॉर दिस एडवेंचर अहेड, वी आर रेडी फॉर दिस जर्नी अहेड। ओके, मैं आपके साथ हूँ, अपन साथ में मिलके ये कर लेंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि जितना हो सके प्रैक्टिस पे फोकस करना एंड रिविजन्स पे फोकस करना। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, एंड आपको मुझसे और कुछ सुनना है तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी साइनिंग आउट, बिलीव इन योर सेल्फ, टाटा, बाय बाय।